हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसिरी सुकून। मेरे अपने चैनल मानसिरी सुकून में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं झटपट वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। मिठाई की रेसिपी है, साथ में बहुत हेल्दी भी होने वाली है। रेसिपी के एंड तक मेरे साथ में बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीबन सूजी। तो सूजी मैंने यहाँ पर ज़्यादा बारीक वाला सूजी मैं नहीं ले रही हूँ, आप चाहे तो कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट में लिया है काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आधा कप लिया है गुड़। गुड़ को मैंने कद्दूकस करके लिया है, तो गुड़ को ऐसे कद्दूकस करके थोड़ा सा लेना है। पाउडर जैसा फॉर्म में भी लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर तो ये जो सूजी, गुड़ और ड्राई फ्रूट है, इसके साथ में हम और भी सारी चीज़ें लेंगे। तो रेसिपी के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए मैं इस रेसिपी को कैसे बनाती हूँ। तो ड्राई फ्रूट को हम डालेंगे मिक्सर जार में और इसमें डाल देंगे गुड़, और इसमें और 2 चम्मच के डालेंगे नारियल का बुरादा। तो ये नारियल का बुरादा मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीबन ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर जो कच्चा वाला नारियल है वो भी ले सकते हैं। मैं सूखा वाला नारियल का बुरा बनाकर तैयार करके रखी हूँ, वही लिया है मैंने। अब हम इसका पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारा पाउडर जो है बहुत फाइनली बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये सूजी के साथ हम लेंगे और 1 कप के करीबन मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर यहाँ पर मैं 1 कप के करीबन ले रही हूँ, छोटे कप से जो नाप के, यहाँ पर 75 ml के करीबन हम मिल्क पाउडर लेंगे। और साइड में मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीबन घी। तो ये जो रेसिपी है ये घी में ही बनता है, तो आप यहाँ पर घी का ही यूज़ करें। घी में ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनती है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अपना सूजी। तो ये सूजी को हमने डाल दिया है और इसको लो फ्लेम में जो है सूजी को हमें भुनना है। तो और एक बात, यहाँ पर मुझे आज सूजी भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये भुना हुआ सूजी है। जैसे ही मैं सूजी बाज़ार से लाती हूँ, इसको भून के जो है डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ, जिससे कि इसमें कीड़े वगैरह ना पड़े। तो इसलिए मुझे ये रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सूजी जो है थोड़ा सा भुनने लगा है और ये हल्का सा फूलने भी लगा है। बहुत बढ़िया तरीके से यह रेसिपी बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सूजी जैसे ही भुनने लगेगा ना हल्का सा, इसमें हम डाल देंगे, और एक चीज़ ज़रूरी चीज़ है ये, तो इसमें हम डाल देंगे शुगर। तो शुगर यहाँ पर मैं कम से कम 4 चम्मच के करीबन शुगर ले रही हूँ। शुगर आप थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा ले सकते हैं। बड़े चम्मच से नाप के मैं 4 चम्मच के करीबन यहाँ पर शुगर ले रही हूँ, क्योंकि हमने गुड़ भी लिया है इसलिए मैं शुगर का मात्रा थोड़ा सा कम ले रही हूँ। आप अपने पसंद के अनुसार यहाँ पर मीठा ले सकते हैं। हमने जो दूध का पाउडर लिया था, मिल्क पाउडर हमने इसमें डाल दिया है, बीच में स्किप हो गया था, मैं दिखा नहीं पाई। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद में सूजी के साथ में अच्छे से मिक्स करना है, और जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे इसका जो गुठलिया है ख़त्म होती जाएगी। इसमें हम डाल देंगे दूध। तो दूध मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। तो दूध हमें यहाँ पर नाप के हिसाब से लेना है। यहाँ पर कम से कम 2.5 कप के करीबन हमें दूध लगेगा। और जैसे दूध डालेंगे ना, शक्कर और मिल्क पाउडर अच्छे से दूध के साथ मिक्स होकर ये शक्कर जो है अच्छे से पिघल जाएगा, और दूध की जो मिल्क पाउडर की जो गुठलियाँ है वो भी आराम से ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे और 1 कप दूध। तो टोटली मैंने यहाँ पर 2 कप के करीबन दूध लिया है। अभी मैं यहाँ पर और 1/2 कप दूध डालूंगी और इसका एक डो जैसा बनाकर तैयार कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत जल्दी जल्दी से मैंने इस रेसिपी को बनाया है। तो ये देखिए, हमारा जो सूजी का डो है यह बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो आज की जो ये रेसिपी है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपका सूजी बुना हुआ है ना पहले से, तो जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर तैयार किया था, इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच दूध और इसको एक डो जैसा बना लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने मिक्स करके बना लिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सूजी, और सूजी डालकर इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मेल्ट होने लगा है, इसको ठंडा करेंगे। तो ये देखिए, ये ठंडा हो गया है। अभी इसके छोटे छोटे से बॉल्स निकाल लेंगे हम, ज़्यादा बड़े नहीं करेंगे, छोटे छोटे से इसका बॉल्स निकाल लेंगे। बहुत ही आराम से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट
बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी बनता है ये मिठाई। तो इस मिठाई को आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। सूजी मैंने यहाँ पर साइड में निकाल लिया है और सूजी जो है ठंडा हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे घी और इसके एक लड्डू जैसा बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये झटपट से बन रहा है। तो लड्डू जैसा बनाने के बाद में बीच में हम इसका जगह बना लेंगे थोड़ा सा रोटी जैसा। और इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार किया है, इसको हम बीच में डालेंगे स्टफिंग और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे और इसको लड्डू जैसा शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे जो ड्राई फ्रूट का स्टफिंग है बीच में डालते जाना है और इसको बंद करते जाना है। इसमें घी डालना बिल्कुल ना भूलिए। सूजी में घी डालने से ये थोड़ा सा स्मूद बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट के जो स्टफिंग वाला सूजी के बॉल से ये बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने लिया है दो ढक्कन। तो ये आप कोई सा भी ढक्कन वगैरह या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो ब्लैक वाला ढक्कन है ना, ये नाप के हिसाब से मेरे लिए सही हो रहा है। इसको बीच बीच में जो लड्डू बनाया है इसके बीच में रखेंगे और इसको बीच में से ज़ोर से दबा देंगे जिससे कि ये जो एक शेप ले लेगा। तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इसका शेप ले लिया है। तो इसी तरीके से हमें सारे सूजी की मिठाई बनाकर तैयार करना है। और साइड से जो सूजी निकल रही है इसमें भी हम और दो तीन चार बना सकते हैं आराम से। तो इस ढक्कन को जो है बीच में रखना है क्योंकि बीच में हमने ड्राई फ्रूट का स्टफिंग रखी है, तो इसलिए हमें बीचों बीच में ही इसको डालकर निकाल लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से इसका शेप आ जाता है। तो आप भी इस तरीके से अपना सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है खाने में, तो लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बना था। तो आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है। न्यू है तो सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्दी से मिल सके। तो ये देखिए हमने जो है सारे जो सूजी के मिठाई है बना कर तैयार कर लिया है। इसको अभी जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो है चांदी का वर्क लगा देंगे जिससे कि दिखने में भी और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये देखिए हमारी जो सूजी की मिठाई है, सूजी के पेड़े बनकर तैयार हो गया है और इसके ऊपर हम लगा देते हैं चांदी का वर्क। बहुत ही बढ़िया लगेगा चांदी का वर्क लगाने के बाद में। तो ये देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने इस रेसिपी को बनाने में लगा दिया है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है ये रेसिपी। तो आप भी रेसिपी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। नवरात्रि और दिवाली आ रही है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। तो मिलते हैं और एक रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।